नहीं, हमला तो मामला नहीं सीखा, मैं ऐसे ही कोई बहकावे में आकर के और मेरे से ताला भी लग गया था। मैं ना कंप्लेन देना था ना चौकी भी थान में, कुछ ऐसा भी कोई काम नहीं मेरा था, ना ही गनमैन में का कोई वास्ता है ना मेरे को, ना ही कोई गनमैन का। मैं शिवसेना हिंदुस्तान में आज करीबन 29 साल से हैं, नहीं गनमैन का कोई रोड़ा नहीं है। वो एक अमर नाम का लड़का था, उन्हें व्हाट्सएप पर ही फोटो डाल दिता है और सारा कुछ वही किता। मैंने ये गल का बिल्कुल पता नहीं सी। लुधियाने के नरेंद्र भारद्वाज नाँ के व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई थी कि 6 मार्च को रात 8 बजे वो उपर जानलेवा हमला हो गया, तो कुछ बंदे उसकी कार भन तोड़ गए। उस बेस से पुलिस ने अपनी वक् वक् टीमें बना के यदि पड़ताल की। नरेंद्र भारद्वाज का यह भी कहना सी कि वह क्योंकि शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी का एक लेबर विंग का प्रधान है, इस करके उसते हमला होया, ये उसको सुरक्षा दी जाए। ये उस बेस से जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तो साइंटिफिक तरीके असी इन्वेस्टिगेशन की, उस पता लग्या कि जो इसने अपनी हमले की जिहड़ी कहानी बनाई है वो बिल्कुल झूठी है। इसका कुदरती तौर पर किसी ट्रॉले नाल उस दिन एक्सीडेंट हो गया सी, एंड सुरक्षा लेन ले, पुलिस की सिक्योरिटी लेन ले इन्हें अपनी एक कहानी बना के पुलिस ने गुमराह किया, जिस करके पुलिस ने उसी FIR के इसके इसनों अरैसट कर लिया है। तो बाकी की तफ्तीश असी जारी कर दी।